क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कराने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है ना, क्वेश्चन फिफ्थ है। तो ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ कराने जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी हम इग्नोर कर देते हैं, बट बोर्ड में आता है। इसका सेंस समझिए, क्वेश्चन का, क्वेश्चन का सेंस क्या है, अभी लिखना नहीं है, आप केवल समझ लो, केवल समझो। आप प्रूव दैट टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, आपने टेंजेंट तो पढ़ी है, ऐसी एक लाइन जो सर्कल को एक जगह टच करती है, तो पहली टेंजेंट ए ले ली, बी ए ली, ये टेंजेंट हो गई नहीं, पहली सर्कल को टच कर रही है, और टेंजेंट होने से रेडियस, टेंजेंट होने से ये कैसी है, परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो ए एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री, समझ में। तो उन्होंने कहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑन अ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा है, ए, एक टेंजेंट पी भी है ना, ए पर कॉन्टैक्ट कर रही है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ओ, हमें ये बताना है कि जो ये परपेंडिकुलर है, कौन परपेंडिकुलर है, ओ ए, मतलब ये सेंटर से होकर के जा रहा है, ये सेंटर से होकर के, ओ ए अभी रेडियस नहीं है। तो आपको गिवन क्या है, ए भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर पी क्यू, ये जो ए बी है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ये क्यू है यहाँ पर, पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है कि ए बी कहाँ से पास होकर के जा रही है, बोलो, ओ से, मतलब सेंटर से होकर के पास होकर के जा रही है। टी पी का मतलब होता है टू टू, या सो दैट, प्रूव दैट ए बी विल पास थ्रू सेंटर को, कंस्ट्रक्शन में कर दिया, ड्रो लाइन ओ सी, ये ओ सी लाइन नहीं थी, ये ओ सी लाइन हमने अभी अभी बनाई है, ये ओ सी कैसी बनाई है, ओ सी पैरेलल, किसके पैरेलल, बोलो, पी क्यू और आर एस, ये एस है, ये क्या है, बोलो, एस है, इसके पैरेलल हमने इसे बना दिया। तो ये लाइन तीनों कैसी होगी आपस में, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी कि नहीं होगी। अब इसको हमने यहाँ पर वन ले लिया, क्या ले लिया, वन, और इसको क्या ले लिया, टू, और इसको क्या ले लिया, थ्री, समझ में आया। अब हम इसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल वन इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है कि नहीं, बोलो, ये गिवन है, क्यों गिवन है, कि परपेंडिकुलर है, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, सिंस एंगल वन एंगल टू इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, पी क्यू ओ सी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है आपने, कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है ड्रॉ ओ सी पैरेलल पी क्यू एंड आर एस, तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए, कैसे हो गए, को इंटीरियर, पैरेलल लाइंस के बीच में अंतर बन रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, रीड करेंगे इसे, एंगल्स इज 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये 180 डिग्री होगा, क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा कि नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों होगा, करस्पोंडिंग एंगल, किसने बोला, करस्पोंडिंग एंगल्स, क्यों, ये लाइन के नीचे है, ए बी लाइन के नीचे है, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है। इतना दिमाग होगा तो आप जुड़ जाओगे, अब इतना भी नहीं आता आपको पिछली क्लासेस का, तो बैठे रहो, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो तभी कर सकते हैं जब आपको पिछला कुछ थोड़ा बहुत आता होगा। करस्पोंडिंग है, पहचान है, करस्पोंडिंग की क्या पहचान है, सेम साइड ट्रांसवर्सल के लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, स्पेलिंग पूरी लिखेंगे, ये करस्पोंडिंग एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, कैसे हो गए, बोलो, इक्वल हो गए, करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो ब्रदर आप ये देखिए, वन की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं, वन की जगह थ्री लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज, इसको फर्स्ट दे दो, क्या दे दो, फर्स्ट, इसको क्या दे दो, सेकंड दे दो, बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, थ्री, एंगल थ्री प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रदर
देखिए एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ए ओ बी, ए ओ बी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, क्या हो गई लाइन, क्या हो गई लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी, देयरफॉर ए ओ बी पासिंग पासिंग थ्रू थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, समझ में आया कि नहीं आया, हेंस रूप, ये समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, तो हमने क्या कर दिया, इसको पूरा प्रूव कर दिया कि ए ओ बी को हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, क्या बना दी, स्ट्रेट लाइन, तो वो कहां से पास होकर के जाएगी, बोलो हाँ, तो ए ओ बी डायमीटर बन गया, क्या बन गया, ए ओ बी डायमीटर, क्या बन गया, ए ओ बी डायमीटर, ए ए ओ बी इज अ डायमीटर, जब ये डायमीटर बन गया तो क्या है, बोलो डायमीटर है तो पासिंग होकर जाएगा, हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ कर दिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 की तरफ मूव करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 होने जा रहा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर एक हो, तो इसका सेंटर एक ही हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर एक, रेडियस अलग अलग है, रेडियस एक की कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक की, तो ये बड़ी वाली क्या ले लो 5 सेंटीमीटर, ये छोटी वाली 4 सेंटीमीटर, 3 है 4 है 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसकी वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल वो होता है रेडियाई, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल, एक कॉर्ड है इसका नाम दे दो ए बी, ए बी कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल को टच करती है, तो छोटे सर्कल के लिए क्या बन गई, टेंजेंट बन गई, वेरी गुड, इसको ओपी ले लें, क्या ले लें, ओपी, तो यहाँ ओ ए 5 सेंटीमीटर ये बड़ा रेडियस, ओपी 3 सेंटीमीटर बोलो छोटा रेडियस, ए बी क्या है, ए बी, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल, ऑफ बिग सर्कल, और ए बी बोलो इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल का साइन, हैव यू गॉट इट, ये सारी चीजें किसमें हैं, गिवन में, अब गिवन में है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, हमें क्या करना है बोलो, ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, अभी देखिए सिंस एंगल पी इज इक्वल टू कितना होगा, क्यों होगा एंगल पी 90 डिग्री, क्यों होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे बोलो, एंगल इसको बिटवीन रीड करेंगे, बिटवीन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये ए बी है ना छोटे सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा, तो ओ ए किसका काम करेगा, जल्दी बोलो, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का ये किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बस इतना ही बोलना है। इतना तुम बोल रहे हो ना, इसका मतलब आपके समझ में आ रहा है, और जो नहीं बोल रहे हैं उसका मतलब उनको ए बी सी डी नहीं आती। ये पाइथागोरस तो 8th क्लास से शुरू हो जाता है, बल्कि 7 से शुरू हो जाता है। आप एच यहाँ पर क्या है, जल्दी बोलो, ओ ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ओ बी स्क्वायर, और ये क्या है बोलो, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ ए 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना है, बी का स्क्वायर, ए पी अननोन 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस ए पी स्क्वायर 25 माइनस 9, 9 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, हैव यू गॉट इट, ये 16 आएगा कि नहीं आएगा, और ये ए पी स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर होगा, बोलो 4 का, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ए पी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। जब ए पी 4 आ गया तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर बनाए तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो अब हम देखें क्या करते हैं, देखिए आप यहां से, देयरफोर ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी आ जाएगा 2 ए पी, डबल कर दो इसको, क्या कर दो, तो 4 8 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा इसका बोलो, इसका रीजन क्या होगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, समझ में आ गया। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो 2 इक्वल पार्ट्स आ गए ना, ए पी पी वी, तो ये 4 इधर 4 तो 8 आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 7। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे नोट करिए, वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर जय हिंद जय भारत।